हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल का फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ बैक टू बैक वीडियो जा रहा है गाइस। 40 दिन का चैलेंज लगे थे, आज है ये वीडियो तीसरा दिन का। तो 40 दिन आपको लगातार वीडियो हम देंगे और 40 दिन आने में 10 मार्च हो जाएगा और 10 मार्च को भाई साहब मेरा बर्थडे है। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरा बर्थडे आते आते 10K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, 10 मार्च को 10,000 सब्सक्राइबर। और ये मेरा कोई भाई साहब क्या बोलते हैं उसको, ये मेरा कोई वो नहीं है, मतलब हम आपको बोल नहीं रहे कि हम करवाना है तो करवाना है, समझे, वो नहीं बोल रहे, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब की थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो करवा दीजिए। हम आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं कि हम करवा ही दीजिए, मतलब सपोर्ट कीजिए कि हो जाए, समझ ना। हाँ, तो आप लोग से यही कह रहे हैं कि 10K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी से करवा दीजिए कि क्योंकि बहुत दिन से जो है ना 1 डिजिट का सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो 10 हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर 2 डिजिट का सब्सक्राइबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को पे रहे हैं कि 3 डिजिट का करवाइए, 100K करवाइए, पहले कि उस सब में टाइम है, मेरा शादी भी लगता हो जाएगा 100K होते होते, ऐसा तो लग रहा है मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते हैं, मतलब रेगुलरिटी नहीं रह पाते हैं। तो अगर रेगुलर रहेंगे ना भाई साहब हम यूट्यूब पे, तो हम भी फाड़ के रख देंगे, जैसे बाकी यूट्यूबर जो है ना वो फाड़ के रखा हुआ है, तो हम रेगुलर रह ही नहीं पाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी एग्ज़ाम, तो अब तो खैर एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, कॉलेज वॉलेज सब ख़त्म, और PG में तो एडमिशन लिए नहीं है लगता है हम अभी, हाँ नहीं लिए हैं, तो वीडियो तो रेगुलर आना चाहिए। तो वही एक टारगेट रखे हैं गाइस 40 दिन का, 40 दिन तक वीडियोस लाएंगे, डेली एक वीडियो, 40 दिन तक डेली एक वीडियो, शॉर्ट्स भी आएगा डेली एक और एक लॉन्ग भी आएगा, तो 40 दिन तक रेगुलर वीडियो डालेंगे रेगुलर। तो आज का अपडेट है गाइस, मिठापुर के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है, मिठापुर गुमटी से लेके लेबर कोट तक फ्लाईओवर बन रहा है, उसका अपडेट। और देखिए, अपडेट वाला वीडियो मेरे चैनल पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि अपडेट वाला वीडियो ज़्यादा सोच रहे हैं लाएँ, बीच बीच में आपको फूड ब्लॉगिंग देखने को मिलेगा, बट मोटो ब्लॉगिंग के थ्रू ही मिलेगा, ऐसा जाके रिपोर्टिंग स्टाइल में अब शायद ना हो पाए। तो सपोर्ट कीजिए कि 10K सब्सक्राइबर हो जाए, और हम आपको कोई धमकी वमकी नहीं दे रहे गाइस कि 10K करवाइए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मतलब करवा दीजिए, सब एक अच्छा हो जाएगा गाइस आप लोग के लिए भी। आप लोग जहाँ का बोलिएगा वहाँ का वीडियो लाएंगे, अपडेट का बात रहे या फिर फूड ब्लॉगिंग का बात रहे या फिर कोई नया मॉल हो, नया हॉल हो, नया दुकान हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम आपको अपडेट देंगे। सामने देखिए भारतीय रेल का ट्रेन जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि गुमटी जो है वो लगा हुआ होगा, और गुमटी लगा हुआ होगा आप समझ ही सकते हैं कि गुमटी लगता है तो भाई साहब लोगों को कितना झेलना पड़ता है, जिस लोगों को इधर आना पड़ता है। और एक और अपडेट आपको बता देते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि करबघैया के साइड से हम आ जाएंगे मिठापुर गुमटी, तो रास्ता बंद कर दिया गया, आपको जब भी जाना होगा या तो पुल के ऊपर से जाइए गाइस, और या तो फिर जिधर से हम जा रहे हैं ना उधर से आपको जाना पड़ेगा बाई रोड। देखिए रोड कितना खाली खाली हो गया, क्योंकि रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया, बस इसीलिए रोड जो है वो पूरा खाली खाली लग रहा है, दिख रहा है, क्योंकि रास्ता जो क्लियर कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। मिठापुर गुमटी से जो करबघैया सीधा जाता था वो रास्ता क्लोज कर दिया गया है, तो अगर आपको मिठापुर गुमटी से करबघैया जाना हो तो आपको फिर जाना पड़ेगा भाई साहब उस फ्लाईओवर के ऊपर से, वरना जिधर से हम जा रहे हैं, जिधर से हम आ रहे हैं उधर से आपको जाना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं गुमटी लगा हुआ है कि गुमटी खुला हुआ है, उसके बाद एक तगड़ा वाला अपडेट देते हैं आपको मिठापुर गुमटी से लेके लेबर कोट तक बने हुए नए वाले फ्लाई ओवर का। और यहाँ पे चेकिंग भाई साहब जबरदस्त चेकिंग मेरे पास क्या है, हम तो हेलमेट भी पहने हुए हैं, और ये देखिए यही झेलना पड़ता है लोगों को, गुमटी बंद हो जाता है तो लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, और इसको जाना रहता है ऑफिस लेट, कुछ भी लेट, क्योंकि बगल में है पटना स्टेशन, तो ठीक है ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। फिलहाल तो खुल गया, 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, तो अच्छी बात है। तो चलिए अब चलते हैं लेबर कोर्ट की तरफ गुमटी को क्रॉस करके। तो गुमटी क्रॉस करके तो आगे आ गया गाइस, और यहाँ से देंगे आपको लेबर कोर्ट का। फिर फिलहाल यहाँ पे देखिए एक फुट वाला ब्रिज बनाया जा रहा है, इसके चढ़ के आप ऊपर जाएंगे, फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके थ्रू आप ये वाला पुल पे जो है वो चढ़ सकते हैं पैदल, जिस तरह आप लोग GBO के पास चढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाया जा रहा है, तो कुछ दिन में ये भी बन के रेडी हो जाएगा। अभी और आगे चलते हैं लेबर कोर्ट की तरफ, देखते हैं कि कितना काम जो है वो आगे बढ़ा है, काफ़ी जाम है क्योंकि अभी भी गुमटी खुला है इस कारण जाम है। देखिए यही जाम,
जाम से निजात मिलेगा। इतना कंजस्टेड जो हो रहा है, इतना ट्रैफिक जो लगने का कारण बन रहा है, इस सब से निजात मिलने वाला है। बस ये लेबर कोट वाला फ्लाई ओवर चालू होने दीजिए। जितना टेम्पू उम्पू देख रहे हैं ना, ये सब मुझे रुक जाएगा। जहाँ से लेबर कोट का स्टार्टिंग होगा, इधर आने का नीड ही नहीं रहेगा। मतलब आवाजाही ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, लोग फ्लाई ओवर के ऊपर से आवाजाही जो करेंगे। और ये देखिए पूरा गिट्टी, पूरा बालू सब रखा हुआ है, सब लेबर कोट वाले फ्लाई ओवर का परमिशन के लिए ही रखा हुआ है। और ये देखिए बड़े हैं इधर तो, इधर देखिए तीन तीन स्लैब जो है वो रखा चुका है। स्लैब जो प्लेस होना था वो स्लैब प्लेस हो चुका है इन तीनों पिलरों पे, क्योंकि तीन ही पिलर है। बाद में परमिशन जो हुआ है, काम रुकने के बाद तीन पिलर बनाया गया है। उसके बाद जो है ये सारा ब्लॉक वाला रहेगा, ये ब्लॉक से जो घेर के बनाया जाता है, छोटा छोटा ब्लॉक को बना घेर के बना दिया जाता है, उससे क्या रहेगा। तो इधर भी देखिए कि सारा ब्लॉक जो है वो घेर दिया गया। पिछला अपडेट से कुछ ज़्यादा कुछ अपडेट मिल रहा है। पूरा रेलिंग भी घेर दिया गया है, क्योंकि रेलिंग जो है वो नहीं घेरा हुआ था पहले, अब रेलिंग की भी घेराई हो चुकी है। देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि रेलिंग भी जो है वो घेर दिया गया है। और कुछ वर्कर्स लोग अपना काम भी कर रहे हैं नीचे में। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कुछ कुछ काम भी जो है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम जो है वो रुका हुआ है। देखिए शायद नाली का फॉर्मेशन किया जा रहा है। और देखिए रेलिंग घेर दिया गया, 10-15 दिन पहले इसका अपडेट दिए थे तो कुछ रेलिंग वेलिंग जो है वो नहीं घेरा हुआ था, बस इतना ही करके छोड़ा हुआ था। रेलिंग में सारा सरिया जो है वो, छड़ जो है वो रेलिंग में दिख रहा था। बट फिलहाल देखिए कि रेलिंग भी घेर दिया गया है और काम तो काफ़ी स्पीड में हो रहा है। अब थोड़ा दिन के बाद इसमें पिचिंग किया जाएगा और एक महीना का वक्त है। 1 मार्च को, शायद मार्च के पहले सप्ताह में इसका इनॉग्रेशन हो जाए, ओपनिंग हो जाए। तो ये देखिए भाई साहब, ये है आपका लेबर कोट वाला रोड। ये मेरे दाईं तरफ ये आपका चल जाता है लेबर कोट रोड, और यहीं से फ्लाई ओवर का जो है वो स्लो अप है, मतलब कि ऊपर की ओर यहीं से फ्लाई ओवर जो है वो बढ़ने वाला है। यहाँ से देखिए तो काम देखिए कि चल रहा है। सामने देखिए कि रोड पिचिंग का काम जो है वो हो रहा है लेबर कोट वाले रोड में। थोड़ा उतर के आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये जो वर्क हो रहा है अभी, क्या बोलते हैं इसको, गिट्टी बिछाने का काम जो है वो पूरा कर लिया गया। हालांकि यहाँ पे जा नहीं सकते हैं, वैसे जा सकते हैं पर जाने का क्या नहीं, ताकि कुछ है नहीं। यहाँ पे गिट्टी जो बिछता है ऑरेंज वाला, ये हो गया। इसके बाद आपका ब्लैक वाला पिचिंग जो है वो किया जाएगा, और उसके बाद शायद फ्लाईओवर को ऑन कर दिया जाएगा। ये जो सारा मटेरियल आप लोग देख रहे हैं, ये सारा मटेरियल जो है वो कुछ दिन में इस पे जाने वाला है, और उसके बाद इस पे पेचिंग का काम होगा। ब्लैक वाला रोड जिसको अलकतरा वाला रोड कहा जाता है, वैसे वाला रोड का भी काम होगा। फिलहाल यहाँ पे एक जेसीबी काम कर रही है बिछाने का काम रेड वाला गिट्टी को, ये जो आप देख रहे हैं रेड वाला गिट्टी, इसके ऊपर ही फिर वो पेचिंग वाला काम होगा। पेचिंग वाला काम मतलब कि ब्लैक वाला काम, अलकतरा रोड वाला काम जो होगा इसके ऊपर जो है वो बिछाया जाएगा। हालांकि एकदम सामने में कुछ काम चल रही है, क्योंकि सामने में फ्लाईओवर आके रुक गया था आज से 17-18 साल पहले, तो उसका फॉर्मेशन इससे जोड़ा गया, तो आगे में काम चल रहा है। तो वो आपको जाके नहीं दिखा देंगे, क्योंकि वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो जाने की अनुमति जो है वो फिलहाल वहाँ पे नहीं है। वो देखिए सामने में काम चल रहा है, हालांकि धुंधला दिख रहा होगा आपको, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट का काम चल रहा है। अभी आगे जाके मोटर ब्लॉगिंग के थ्रू आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब एक बार फिर से मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे आ गए, और एक बार फिर से आपको काम दिखाते हैं। देखिए यहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट है, ऐसे जाके आगे जाके आपका जीपीओ और जो आरओबी बना है उसमें जाके मिला होगा। ये फ्लाईओवर जब चालू हो जाएगा गाइस, तो आप आराम से जा सकते हैं इसके थ्रू कंकड़बाग, इसके थ्रू आप जा सकते हैं गर्दनी बाग, इसके थ्रू आप जा सकते हैं डाकबंगला, गांधी मैदान, महावीर मंदिर, जीपीओ, बेली रोड, बोर्डिंग रोड, दरोगा राय पथ, सचिवालय, हर जगह आप जा सकते हैं गाइस। ये पुल बहुत राहत देने वाला है मिठापुर के लोगों को, सिपारा के लोगों को, और एतवारपुर के लोगों को, मतलब दक्षिण तरफ से जितने आने वाले लोग हैं उन लोगों को राहत देने वाला ये है। और बहुत जल्द इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, मार्च में इसका काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, फरवरी एंड तक, और मार्च के पहले सप्ताह में शायद इसका ओपनिंग जो है वो कर दिया जाएगा। यहाँ तक फ्लाई ओवर बना हुआ था, इसके बाद जो वो तीन पिलर पे फ्लाई ओवर बनाया गया है, और यहाँ पे पुराने वाले फ्लाई ओवर जो बना हुआ था वहाँ पे स्लैब आके ज्वाइंट भी कर दिया गया है। तो सारा काम फिनिश है, टोटल वर्क जो है वो फिनिश कर दिया गया है। बस इंतज़ार जो है वो इसका इनॉग्रेशन का है, क्योंकि काफ़ी लंबा दिन गाइस, ऑलमोस्ट 18 से 20 साल, कोई आम बात नहीं होता है, ऑलमोस्ट 18 साल बाद
ये केस पास हुआ था और उसके बाद सारे घर को तोड़ा गया, उसके बाद फिर इस पे परमिशन हुआ, पिलर बनाया गया, उसके बाद जाके कुछ दिनों में इसका जो है वो इनॉग्रेशन होने वाला है। और यही वो फ्लाई ओवर जो ज्वाइंट हो गया आगे जाके ROB में, जो ROB बनाया गया था कुछ दिन पहले, उसका भी उद्घाटन हुआ था आज से 5-6 महीना पहले। तो इसमें जाके जो है वो ज्वाइंट जो है वो कर दिया गया ROB को, और थैंक गॉड के घुमटी उमटी नहीं लगा हुआ है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे घुमटी लग जाता है। ये घुमटी पे जो इतने गाड़ियाँ आ जा रही है ना, ये कुछ दिन में बंद हो जाएगा, क्योंकि जब ये फ्लाई ओवर को कनेक्ट कर दिया जाएगा ROB से, तो लोग फ्लाई ओवर पर चढ़ के जाएंगे आएंगे। ये घुमटी का झंझट ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आगे देखिए कि रास्ता, जैसे बताए थे आपको कि बंद कर दिया गया है, आगे रास्ता बंद है क्यों? क्योंकि एक फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है मिठापुर करबिगहिया के सटे से होके, और इसमें आके जोड़ा जाएगा। ये ऊपर वाला फ्लाई ओवर जो आप देख रहे हैं, इसमें आके जोड़ दिया जाएगा। तो एक फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है, इस कारण जो है आपको करबिगहिया से अगर आपको मिठापुर घुमटी जाना होगा तो रास्ता क्लोज कर दिया गया है। अगर आप करबिगहिया से सोच रहे हैं कि मिठापुर घुमटी चल जाए, तो रास्ता आपको क्लोज कर दिया गया है, आपको जक्कनपुर से मुड़ के पूरा जाना पड़ेगा। ये रास्ता फिलहाल स्टेशन जाने के लिए बस खोला गया है, शायद इसमें स्टेशन आप जा सकते हैं पटना स्टेशन, बस उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। ये देखिए यहीं पे काम चल रहा है, समझे, यहीं पे काम चल रहा है, ये जो आपका पेटिंग मशीन का काम चल रहा है, और ये सामने रास्ता बंद कर दिया गया है फिलहाल। देखिए ये रास्ता सामने चल जाता था करबिगहिया मोड़ के पास, बट उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इस पुल के समांतर में एक और पुल बनेगा और इसमें आके ज्वाइंट हो जाएगा। जो पुल आपका बस स्टैंड से आ रहा है ना, बस स्टैंड से आ रहा है, और करबिगहिया के पास एक ROB बनाया जाएगा, मतलब कि एक गोलंबर बनाया जाएगा, ROB नहीं, एक ऊपर वाला गोलंबर जिस तरीके से GP और R ब्लॉक पे है उसी तरीके से बनाया जाएगा। उसके बाद एक पुल जो है वो इस पुल के बगल में बनाया जाएगा और इसमें आके जोड़ दिया जाएगा आगे पे जाके, इसलिए ये रोड जो है वो बंद कर दिया गया। देखिए सामने आपका साफ सा बोर्ड लगा हुआ है कि आपका रास्ता बंद है, आपको अगर इधर आना होगा तो आपको जक्कनपुर के साइड से जो है वो मुड़ के आना होगा, समझे। देखिए सामने रास्ता पूरा बंद है, पूरा काम का वर्क चल रहा है यहाँ पे, बड़ा बड़ा मशीन भी लगा हुआ है, बिल्डिंग मशीन गड्ढा हो रहा है, पिलर चल रहा है, सरिया भी आपका रखा हुआ दिख रहा होगा आपको, तो यही सब काम हो रहा है, इस कारण रोड जो है वो बंद कर दिया गया है। देखें कि फ्लाई ओवर बनाने की प्रक्रिया चल रही है आपका करबिगहिया गोलंबर के पास से जो रास्ता आता था मिठापुर घुमटी की तरफ, उस रास्ता को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसमें एक फ्लाई ओवर बनेगा, जो ऑलरेडी एक फ्लाई ओवर बना हुआ है उसके समानांतर में, मतलब ये जो फ्लाई ओवर देख रहे हैं इसी के बगल में एक और फ्लाई ओवर बन जाएगा, और फिर उसको आके इसमें मिला दिया जाएगा इस गोलंबर के पास, जहाँ पे आपको वो पैदल वाला ब्रिज दिख रहा है वो उस वाले के पास, समझे। तो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है ये भी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।